ये ज्यादा स्पीड पकड़ लिया, रुक नहीं पा रहा। तो जब तू ही ब्रेक लगा रहा है तो फिर मेरा क्या काम है? यहाँ से निकलना पड़ेगा तो स्केट गंदे ही होंगे होंगे। यहाँ पर कुत्ते देख के भागते हैं, काटते नहीं है। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं विशाल। और क्या हालचाल, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं स्केटिंग करते हुए हमारे पुराने रेगुलर रोड पर, जहां पर हम बहुत दिनों से गए ही नहीं हैं। और आज मैं स्केट करने वाला हूं फ्रेंच टोस्ट के साथ में, वो पीयूष जाएगा MF 500 के साथ में, मतलब वो इनलाइन चलाने वाला है आज। तो उसी रास्ते पर जाने वाले हैं। कंडीशन तो बहुत ही बेकार थी पहले, अभी और कैसी है वो तो पता नहीं है। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉक टाइप में जाएंगे और तालाब तक जाने वाले हैं। तो अभी तो पहनते हैं स्केट्स वगैरह फिर निकलते हैं। तो अभी यहीं से पहन रहे हैं हम, उधर जाकर नहीं पहनेंगे, घर से ही पहन कर निकलेंगे और वापस भी यहीं आकर उतारेंगे, क्योंकि स्कूटी वगैरह कुछ नहीं ले जा रहे हैं, बस स्केट के साथ में जाएंगे। गाइस अभी मैंने पहन लिए हैं फ्रेंच टोस और पीयूष ने भी पहन लिए हैं इधर MF 500। तो निकलते हैं अब, यहाँ से जाना पड़ेगा रोड तक, पूरा कच्चे में चलकर जाना पड़ेगा जैसे कि हर बार जाते ही हैं हम। इसका इनलाइन है तो इसको दिक्कत वगैरह आ सकती है, लग रहा चल लेगा। चल तो रहा हूं। वैसे अभी इसका एंकल वगैरह इधर उधर जा नहीं रहा है क्योंकि हार्ड बूट है, ज़्यादा दिक्कत वगैरह शायद ही आएगी इसको। फाइनली बहुत ही मुश्किल के बाद में रोड पर आ ही चुके हैं और अब हम जा रहे हैं उधर स्केट करते हुए। तो पीयूष कैसे क्या चला पा रहा है आप देख सकते हैं, नॉर्मल चला है वैसे तो। अभी स्पीड में चलाएगा तो मुझे लगता है कि बैलेंस वगैरह बिगड़ सकता है, देखेंगे अभी रास्ते में। अभी तो थोड़ा आगे जाएंगे फिर अच्छा स्मूथ रास्ता आएगा, वहाँ पर चलाएंगे स्पीड वगैरह में। अभी नॉर्मल चला रहे हैं। टी स्टॉप लगा लेगा कि हाँ लगा लिया, स्टॉप कर दे आना चाहिए। यहाँ पर कुत्ते देख के भागते हैं, काटते नहीं है। इसको रोलर चला चला के रोलर की आदत हो रखी है, तो अभी यहाँ पर एंकल बेंड हो रहा है, हल्का सा हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे इधर उधर। अभी स्पीड में चलाएगा तो और ज़्यादा हो सकता है। मैं चलाऊं नहीं। चलाएगा ही नहीं है, चलाना तो पड़ेगा। अभी जो है सामने आ चुका है हमारा सबसे खतरनाक खराब वाला रास्ता, कीचड़ी कीचड़े बारिश के कारण। रुक जा गाड़ी, गाड़ी इनको निकल जान दे, कीचड़ी कीचड़े यार सब दूर। तो गाइस अभी जो है सामने बहुत ज़्यादा कीचड़ दिख रहा है, तो कैसे क्या निकलेंगे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ये कीचड़, यहाँ तक तो चले जाएंगे लेकिन उससे आगे कैसे जाएंगे अपन, स्केट्स गंदे होंगे ही, चलना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। आए तो सही, कहीं से भी निकल जाएंगे कैसे भी। ये बड़े व्हील्स है तो ज़्यादा अटकते नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अटक रहे हैं, पता नहीं क्यों क्या उबड़ खाबड़े तो अटकेंगे। यहाँ से निकलना पड़ेगा तो स्केट गंदे ही होंगे होंगे, पैदल पैदल निकलना पड़ेगा, नहीं फिसलेंगे, मेरे को नहीं लगता फिसलेंगे। साइड से निकलते, इधर से साइड से, ये रास्ता सुधरा नहीं उल्टा बिगड़ गया, यहाँ से उल्टा। सहारा लेकर वो भी आ रहा, ये भी सहारा लेकर आ रहा है। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, फिसल नहीं रहे ना यहाँ पर, फिसलते तो गिर जाता। कीचड़ हो जाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इधर निकलने में, वैसे सूखा रहता तो उबड़ खाबड़ कैसा भी हो निकल जाते हैं चलाकर, लेकिन अभी कीचड़ है ना तो वहाँ पर गिरने का डर रहता है, कैसे भी अगर गिर गए तो फिर कपड़े गंदे हो जाएंगे, फिसलने का डर ज़्यादा रहता है, वो दिक्कत आती है। लेकिन अब जो है मेन चीज़ यही थी, ये पार हो गया है, अब आगे रास्ता ही रास्ता है, मतलब डामर का रोड है तो आगे चलाने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। पुराने ब्लॉग्स वगैरह में तो आपने देखा ही होगा, इधर स्मूथ रास्ता है और इधर चलाना है। अब चला, बड़ा स्पीड में चलाएगा, यहाँ पर रास्ता आ गया तो बस गड्ढे वड्ढे देख के ना आपस में टकराने मत देना पैरों को। इसमें ऐसा रहता है कि बाहर की ओर आपके पैर चले जाते हैं ना तो गिरना पक्का रहता है, ऐसा लगता है आपको कि आप बाहर की ओर गिर जाओगे अगर बाहर की ओर एंकल बेंड हो जाता है तो। अंदर की ओर चलता है इतना कोई दिक्कत नहीं आती है, बाहर की ओर हो जाता ना शुरुआत में बिगनर रहते हैं तो ऐसा लगता है कि गिर जाओगे और आप जानबूझ के फिका जाते हैं, भले आप गिर नहीं रहो फिर भी। बहुत ज़्यादा स्पीड लग रही है इसको, इनलाइन है ना और सही से समझ नहीं आ रहे उसको स्केट्स। मुझे लगता है कि तालाब तक जाएंगे चलाते चलाते, तब तक ये कंफर्टेबल हो जाएगा, मतलब थोड़ी बहुत तो सीख ही जाएगा, अच्छे से थोड़ा कंट्रोल उसको लगने लग जाएगा। अभी थोड़ा स्पीड में जाते हैं, इसको निकलने दे फिर स्पीड बढ़ा लेना। अभी सामने से हवा चल रही है तो ऐसा लग रहा है बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, मतलब बहुत भारी चल रहा है स्केट्स ऐसा लग रहा है, लेकिन आते वक्त जब आएंगे ना तो वहाँ से वहाँ तक हमको पुश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कंटिन्यूसली जाया करेंगे स्केट्स। Gold homies want more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. अभी ये वन लेग बैलेंस सीख रहा है क्योंकि इससे टी स्टॉप लग नहीं रहा सही से, मतलब ज़्यादा देर तक पीछे पैर को रगड़ नहीं पा रहा है, अगले पैर पर बैलेंस नहीं बन रहा है, तो वन लेग बैलेंस सीख रहा है, उसके बाद में करेगा वो ट्राई टी स्टॉप। तो बीच रास्ते में सीखने लग गया वैसे ये, चल चलते चलते सीख लेंगे, लेट्स गो। आ जाए वन लेग पे, बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही है इसको, बन रहा है वैसे, बन तो रहा है, हो रहा है।
एंकल बैंड तेरा जब तक फिक्स नहीं होगा ना तब तक ये दिक्कत आएगी। अभी नया है तू तो तेरे को ऐसे ही लगेगा। वैसे ट्राई करा करेगा तो हो जाएगा, ब्रेक लगाना भी आ जाएगा उसको। अभी सामने आ चुका है चढ़ाव, इधर इधर देख सकते हैं। और ये पहले ही डर रहा है, इसको चढ़ाव चढ़ने से पहले ही वापस भी आना है ये बोल रहा है वो। मतलब आते वक्त क्या करेगा, इसको ब्रेक लगाते नहीं बन रहा है तो, क्योंकि वहाँ पर जरा सा उतर आया था वहाँ पर भी इसको दिक्कत वगैरह आ रही थी। कैसे भी करके आ जाएंगे, अभी तो चलते हैं, पकड़ के ले आऊँगा सर। तो अभी बहुत दिनों से चढ़ाव वगैरह चढ़ा नहीं, तो फिर थकान ज़्यादा ही लग रही है ऐसा, और ऊपर से गर्मी अलग हो रही है, धूप अलग कर रही है, और पीयूष की तो वाट लगी हुई लग रहा। ईजी, फाइनली चढ़ाव खत्म हो गया है, थोड़ा रेस्ट हो जाए यहाँ पर। इतना भी कुछ खास चढ़ाव नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान होगी, बहुत दिनों बाद चढ़े ना, और गर्मी ऊपर से। बहुत धीरे चल रहा है ये, इतनी स्लो क्यों चल रहा है? तो इतनी ये की स्पीड थी 20-25 भी नहीं होगी, नया है ना तो इतनी बहुत है, सीख जाएगा तो फिर मेरे से भी तेज भाग सकता है ये। इसको हवा बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही लग रहा मुझे, मुझे खुद को दिक्कत दे रही थी, चल ही नहीं पा रहा था, बहुत पीछे रह रहा है ये। क्या हुआ, थक गया? बहुत दिन हो गए। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हमारे रास्ते पर। अब यहाँ से हमको इधर जाना है, तालाब की तरफ अगर जाना है तो, लेकिन यहाँ से कच्चा रास्ता आ जाता है। और मेरे से ये बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने चप्पल डाल लिए थे बैग में लाने के लिए, लेकिन बैग ही भुलाया। तो अब यहाँ पर अगर हमको इधर जाना है तो स्केट पहनकर तो जा नहीं सकते क्योंकि कच्चा रास्ता है, और अगर कच्चे रास्ते पर बिना स्केट के गए तो बारिश के कारण थोड़ा ख़राब रास्ता हो रखा है, तो पैर गंदे हो जाएंगे, पैर गंदे हो जाएंगे तो फिर वापस स्केट पहनेंगे तो स्केट गंदे हो जाएंगे। तो बात वहीं आती है कि अब इधर जाना ही बेकार है, चले वापस कि चले। अरे यार स्केट उतार के दिक्कत आ जाएगी, जरा कंफ्यूजन में है, थोड़ा बैठ के ना फिर सोचते हैं फिर जाते हैं, वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, चल रहे नहीं जाते। आगे उतार है, इधर जा सकते हैं, लेकिन वापस आने में फिर वापस हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतनी दूर से चला कर लाए हैं तो पेट दर्द कर रहे हैं मेरे, नहीं पीयूष के, इसी के दर्द करते हैं हर बार, मेरे तो करते ही नहीं है। वापस ही जाना पड़ेगा अब, कोई ना, यहाँ पर थोड़ा रील वगैरह शूट कर लेंगे इधर ही रास्ते वगैरह में, और फिर वापस निकल लेंगे। भाई सभी रील्स वगैरह शूट कर लिए हमने, और अभी जा रहे हैं घर पर वापस। तो सूरज भी डूब रहा है और निकलते हैं, और इधर से रास्ता आएगा तो मज़े ही आ जाएगा, क्योंकि धक्काते हुए ले जाएगी हवा, हमको कुछ पूछ लगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो चलिए चलते हैं, इसको भी लेने की जरूरत नहीं है, पुश। ये ज्यादा स्पीड पकड़ लिया, रुक नहीं पा रहा। देखना गाई भाई, मेरे पांव उल्टे लहरा रहे हैं, मैं कहीं नहीं आ पाऊंगा। धीरे से हो, धीरे से, धीरे से, धीरे से। तो गाइस अभी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, ये स्पीड पकड़ लिया था स्केटिंग में और फिर रुक ही नहीं पा रहा था, तो इसको पकड़ के रोकना पड़ा। और अभी जो है यहाँ पर जो रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो पूरा उतारी आ चुका है, यहाँ पर क्या करेगा तो ये बता मेरे को। इसको लगता है पकड़ के ले जाना पड़ेगा, पीछे से पकड़ के और फिर चलना पड़ेगा। रेंदे भाई ये बोल रहे इधर कच्चे में चल के जाऊंगा, बोल पकड़ ले जाऊंगा मैं, टेंशन ले। तू आगे रे तो पीछे रह क्या, खींच के ले जाऊंगा ना देखो मैं, पकड़ लो पकड़ लो। हाँ साइड से चलने देना, अब बीच में मत आना तू बस। अरे तो जब तू ही ब्रेक लगा रहा है तो फिर मेरा क्या काम है? लग रही है। क्या लग रही है, उधर कहाँ जा रहा, स्पीड बढ़ जाएगी, लगा लेगा ना। चलो तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर। विशाल स्केटर चैनल नाम पूछ रहे हो, चलो अच्छा है सीख गया यहाँ पर ये ब्रेक लगाना धीरे धीरे। तो फाइनली यहाँ पर जो है सबसे बड़ा उतार था, मतलब सबसे छोटा उतार था, वो उतर चुका है ये, वो भी बहुत मुश्किल से, और ब्रेक लगाना कुछ हद तक सीख गया है, इतनी दूर वो ब्रेक लगाते लाया तो उतार में, पूरा उतार में। तो यार मेन मुसीबत यहीं तक थी, इससे आगे तो फिर नॉर्मल रास्ता है, वही वाला है जहाँ पर हम आसानी से चले जाएंगे, बराबर प्लेन रास्ता है, तो आगे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, सेम रास्ता सेम ब्लॉक, वही दिक्कत आ जाएगी। तो अभी हम जो है वापस जा रहे हैं, स्पीड में जाएंगे थोड़ा और जाएंगे बस। हाँ तू कितनी स्पीड में जा रहा है? तो गाइस यार आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, हमको जहाँ पर जाना था तालाब वगैरह पर, वहाँ पर जा नहीं पाए क्योंकि हम चप्पल लाना भूल गए थे, और स्केट पहनकर जा नहीं सकते थे, नंगर पैर भी जा नहीं सकते थे, दिक्कत ही दिक्कत है क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है अभी, तो कीचड़ हो जाता, पैर गंदे हो जाते, स्केट गंदे हो जाते, वो दिक्कत आ जाती, लेकिन फिर भी थोड़ा इन्जॉय के हिसाब से गए थे, घूमने के हिसाब से गए थे, और पुराने वाले रास्ते पर चलाकर और भी ज़्यादा मज़ा आया, और इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया लग रहा मुझे उतार में आते वक्त। अगली बार कभी जाए तो जाएंगे, लेकिन आज तो नहीं जा पाए। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहीं और स्केटिंग करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए, या फिर स्केटिंग करते हुए। बाय गाइस।
डबल से बोलने दे। आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए या फिर इसी तरह से ब्लॉगिंग करते हुए कहीं पर घूमते फिरते हुए स्केटिंग के साथ में। तो बाय गाइस।